गौरी खान हाल ही में 17 साल बाद करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में नजर आई हैं। गौरी शो में अपनी बेस्ट फ्रेंड भावना पांडे और माही कपूर के साथ पहुंची। इस दौरान गौरी ने ड्रग केस में अपने बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। गौरी ने बताया कि ये उनकी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल समय रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनकी मदद की है वो उनके शुक्रगुजार हैं। चैट शो में करण ने गौरी से केस के बारे में इनडायरेक्टली बात करते हुए पूछा, ये आर्यन के लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा और आप सब मजबूती से एक साथ खड़े रहे। एक माँ के रूप में तो मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, हम सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं और मैं भी उसी परिवार का एक सदस्य हूँ। ये बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा और गौरी आप पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर उभरी हैं। आपका क्या कहना है ऐसे मुश्किल सिचुएशन को संभालने को लेकर जब परिवार पर मुसीबत आती है? इसके बाद गौरी पहली बार आर्यन खान की गिरफ्तारी पर बोली, हम जिस दौर से गुजरे हैं उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम फैमिली के रूप में एक अच्छे स्पेस में हैं। सब हमें प्यार कर रहे हैं, हमारे सारे दोस्त और जिन लोगों को हम जानते भी नहीं उन्होंने भी हमारा साथ दिया। इतने सारे प्यार और मैसेजेस के लिए मैं खुद को ब्लेस्ड फील करती हूँ। जिन लोगों ने हमारी मदद की है मैं उन सभी की हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। आपको बता दें कि आर्यन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अक्टूबर 2021 में मुंबई कोस्ट पर एक क्रूज शिप में ड्रग्स के सेवन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आर्यन को 26 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया। इस दौरान उन्हें आर्थर रोड जेल भी भेजा गया था।